इंडिया के सेक्सर किंग और मोस्ट एलिजिबल बैचलर रहे युवराज सिंह खूबसूरत अभिनेत्री हेजल कीच के साथ 30 नवंबर को पंजाब फतेहगढ़ साहिब में शादी के बंधन में बंध गए, जिसके बाद आज एक बार फिर टीम इंडिया का ये वर्ल्ड कप हीरो गोवा में हिंदू रीति रिवाज के साथ परिणय सूत्र में बंधेगा। शादी गोवा के सियोलिम के टीजो वाटर फ्रंट रिजॉर्ट में होगी। खबरों के मुताबिक शादी समारोह दोपहर और बारात 4:30 बजे रिजॉर्ट पहुंचेगी, जिसके बाद फेरों की रस्म की जाएगी। सादगी से शादी के बाद शाम में ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया गया है, जो कि शाम 7 बजे शुरू होगा। इस पार्टी के लिए विराट कोहली पहले ही गोवा पहुंच चुके हैं, जबकि उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा भी इस पार्टी में शामिल हो सकती हैं। इससे पहले 30 नवंबर को पंजाब में फतेहगढ़ साहिब जिले के हंसाली साहब गुरुद्वारे में सिख रीति रिवाज के मुताबिक युवराज और हेजल ने एक दूसरे के होने की कसम ली। लेकिन युवराज सिंह के गुरुद्वारे में हुए शादी समारोह में उनके पिता योगराज सिंह ने शिरकत नहीं की थी। उन्होंने हाल ही में कहा था कि वो युवराज की शादी में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका बाबाओं में विश्वास नहीं है, जिसमें सिर्फ युवराज का परिवार, रिश्तेदार और करीबी दोस्त ही शामिल रहे। इससे पहले 29 नवंबर को चंडीगढ़ के द ललित होटल में युवराज और हेजल की शादी का संगीत समारोह हुआ था। ये तस्वीरें उसी समारोह की हैं। युवराज और उनकी दुल्हनिया खुद मीडिया के कैमरे के सामने आए और तस्वीरें खिंचवाई। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट चौथे दिन ही खत्म होने के बाद युवराज के संगीत समारोह में पूरी टीम इंडिया भी मौजूद थी, और आज भी टीम इंडिया के सितारों की शिरकत करने की उम्मीद है। कप्तान विराट कोहली से लेकर कोच अनिल कुंबले तक समारोह में मौजूद थे। संगीत के बाद युवराज ने ट्वीट करके अपने फैंस को बधाइयों के लिए शुक्रिया भी कहा। युवराज सिंह ने लिखा, एक नई पारी की शुरुआत हो रही है, आपके प्यार के लिए शुक्रिया, कृपया नए जोड़े को आशीर्वाद दीजिए। आज गोवा में शादी के बाद युवराज सिंह दिल्ली में 7 दिसंबर को शादी का रिसेप्शन देंगे। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार रहे हैं, जबकि उनकी दुल्हन हेजल कीच ब्रिटिश मॉडल और एक्ट्रेस हैं। हेजल कीच सलमान की फिल्म बॉडीगार्ड और बिग बॉस में भी दिख चुकी हैं।